हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम क्लास थ्री चैप्टर नंबर टू इसकी बुक रीडिंग पढ़ेंगे। ड्रोथी मेट्स द स्केयरक्रो। ड्रोथी की मुलाकात पुतले से। सबसे पहले इसके वर्ड्स मीनिंग आते हैं, गेस्ट घूरा, ग्रेटफुल शुक्रगुजार, राइप पका हुआ, स्केयर क्रो पुतला। चले अब इसकी बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ड्रोथी वॉक्ड अलोंग द रोड। ड्रोथी सड़क के साथ साथ चलती है। इट वॉज मेड ऑफ येलो ब्रिक्स। ये पीली ईंटों से बनी हुई थी। व्हेन शी हैड गॉन सम माइल्स। जब वो कुछ मील आगे चली जाती है, शी नीडेड टू रेस्ट। तो इसे ज़रूरत महसूस होती है आराम करने की। शी क्लाइम्ड टू द टॉप ऑफ द फेंस बिसाइड द रोड एंड सैट डाउन। वो सड़क के साथ लगे हुए एक बाड़ पर चढ़ जाती है और बैठ जाती है। हर डॉग, उसका कुत्ता टोटो वॉज आल्सो टायर्ड। उसका कुत्ता टोटो भी थक गया था। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड बाय द फेंस। वो ज़मीन पर बाड़ के साथ लेट जाता है। There was a large cornfield on the other side of the fence, and in the field there was a scarecrow. वहाँ एक बड़ा मकई का खेत था बाड़ के दूसरी तरफ, और इस खेत में एक पुतला था। Dorothy gazed at the scarecrow. Dorothy ने पुतले को घूरा। Its head was a small sack stuffed with straw. उसका सर एक छोटा थैला था जो तिनकों से ठूंसा हुआ था। Its face was painted on the sack. थैले पर इसका चेहरा रंग किया गया था। It had an old pointed blue hat on its head. उसके सर पर एक पुरानी नीले रंग की नोकदार टोपी थी। On its body, it wore a blue suit of faded clothes, which had also been stuffed with straw. उसने जिस्म पर नीले रंग के बदरंग कपड़े पहने थे जो कि तिनकों से ठूंसे हुए थे। ऑन द फीट वर सम ओल्ड बूट्स। उसके पैरों में कुछ पुराने जूते थे। द स्केयरक्रो वॉज टाइड टू अ टॉल पोल। पुतले को एक लंबे खंभे के साथ बांधा गया था। इट वॉज देयर टू स्केयर द बर्ड्स एंड स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग द राइप कॉर्न। वहाँ परिंदों को डराने के लिए और पकी हुई मकई खाने से रोकने के लिए। While Dorothy was looking at the painted face of the scarecrow, जबकि Dorothy पुतले का रंग किया गया चेहरा देख रही थी, she was surprised to see one of the eyes slowly wink at her. वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि उसकी एक आंख ने आहिस्ता से उसकी तरफ इशारा किया। She thought she must have imagined it. उसने सोचा कि ये सिर्फ मेरा तसव्वुर है। Then the scarecrow nodded its head to her in a friendly way. फिर उसने पुतले की तरफ अपना सर दोस्ताना अंदाज में हिलाया। Dorothy climbed down from the fence and walked up to it. Dorothy बाड़ से नीचे उतर गई और उसकी तरफ चलती हुई गई। Toto ran around the pole and barked. Toto खंबे के इर्द गिर्द भागा और भौंका। Good day, अच्छा दिन, said the scarecrow, पुतले ने कहा। You didn't just speak, did you? asked the girl in wonder. क्या तुम अभी बोले नहीं, लड़की ने हैरानी से पूछा। Certainly, answered the scarecrow. How do you do? यकीनन, पुतले ने जवाब दिया। तुम कैसी हो? I'm pretty well, thank you. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, replied Dorothy politely. Dorothy ने शाइस्तगी से जवाब दिया। How do you do? तुम कैसे हो? I'm bored. मैं बहुत बेजार हूँ, said the scarecrow, पुतले ने कहा। It is very dull being stuck up here night and day to scare away crows. मैं यहाँ बंधा हुआ बहुत उकता जाता हूँ सारा दिन और सारी रात कब्बों को डराने में। Can't you get down? asked Dorothy. तुम नीचे नहीं उतर सकते? Dorothy ने पूछा। No, नहीं। This pole is stuck up my back. ये खम्बा मेरी कमर के साथ बंधा हुआ है। प्लीज़ हेल्प मी गेट डाउन,
मेहरबानी करके मुझे नीचे उतारने में मदद करो। Drothi reached up both arms and lifted the scarecrow off the pole. Drothi ने अपने दोनों बाजू ऊपर उठाए और पुतले को खंभे से नीचे उतार लिया। Thank you very much. He was quite light because he was only stuffed with straw. काफ़ी हल्का था क्योंकि वो सिर्फ तिनकों से ठूंसा हुआ था। She set him down to the ground. उसने उसे नीचे ज़मीन पर रख दिया। थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, सेड द स्केयरक्रो, पुतले ने कहा। आई फील मच बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। Drothi was so surprised to hear a straw man speak. Drothi बहुत हैरान थी तिनकों से भरे हुए आदमी को बोलते सुनकर। The scarecrow stretched and yawned. पुतले ने अंगड़ाई ली और जमाई ली। Who are you? तुम कौन हो? Asked the scarecrow. पुतले ने कहा। And where are you going? और तुम कहाँ जा रही हो? My name is Drothi, said the girl. मेरा नाम Drothi है, लड़की ने कहा। एंड आई एम गोइंग टू द एमरलैंड सिटी, और मैं जमर्द के शहर जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ओज टू सेंड मी बैक होम टू कंसस। मैं जा रही हूँ अजीम ओज से पूछने मुझे वापस घर कंसस भेज दे। वेयर इज द एमरल्ड सिटी, जमुर्द का शहर कहाँ है? सेड द स्केयरक्रो, पुतले ने कहा। एंड हु इज़ ओज, और ओज कौन है? वाई यू डोंट नो, क्यों तुम नहीं जानते? शी रिप्लाइड इन सरप्राइज, उसने हैरत से जवाब दिया। नो आई डोंट नो एनीथिंग, नहीं मैं कुछ भी नहीं जानता। यू सी, तुमने देखा। आई एम स्टफ विद स्ट्रॉ, मैं तिनकों से ठूंसा हुआ हूँ। सो आई हैव नो ब्रेन्स एट ऑल, इसलिए मेरे पास दिमाग नहीं है। ही आंसर्ड सैडली, उसने उदासी से जवाब दिया। ओ सैड Drothi, ओ Drothi ने कहा। आई एम सॉरी फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हुआ। डू यू थिंक, ही आस्क्ड, तुम्हारे ख्याल में, उसने पूछा। इफ़ आई गो टू द एमर्ल्ड सिटी विद यू, अगर मैं तुम्हारे साथ जमुर्द के शहर जाऊं, दैट ओज वुड गिव मी सम ब्रेन्स, क्या वो ओज मुझे कुछ दिमाग यानी कि समझ बूझ दे देगा? आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। कम टू द एमर्ल्ड सिटी विद मी एंड टोटो, मेरे और टोटो के साथ जमुर्द के शहर आ जाओ। यू कैन आस्क द ग्रेट ओज फॉर अ ब्रेन, तो अजीम ओज से दिमाग के लिए पूछ सकते हो। What if it doesn't give me one? अगर उसने मुझे दिमाग ना दिया। You should try anyway. अगर उसने मुझे दिमाग ना दिया तो क्या होगा? You should try anyway. तुम हर हाल में कोशिश करना, said Drothi. Drothi ने कहा। You have nothing to lose. तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। That is true. ये सच है, सेड द स्केयरक्रो, पुतले ने कहा। यू सी, तुम देख सकती हो। आई डोंट माइंड माय लेग्स एंड आर्म्स एंड बॉडी बीइंग स्टफ्ड बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट, मुझे बुरा नहीं लगता कि मेरी टांगों, बाजुओं और जिस्म को तिनकों से ठूंस दिया गया है। इफ़ एनीवन ट्रेड्स ऑन माय टोज और स्टिक्स अ पिन इनटू मी, क्योंकि मुझे तकलीफ नहीं हुई। अगर कोई मेरे पाँव की उंगली कुचल दे या कोई सुई चुभो देता है इनटू मी, इट डजंट मैटर बिकॉज आई कांट फील इट, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे महसूस नहीं होता। Drothi listened carefully and nodded. Drothi ने ध्यान से सुना और सर हिलाया। शी वॉज अमेज्ड टू सी द स्केयरक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग, वो हैरान थी पुतले को चलते और बातें करता देख कर। But I do not want people to call me a fool. लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे बेवकूफ़ कहकर बुलाएं। If my head stays stuffed with straw, how will I ever know anything? अगर मेरा सर तिनकों से ठूंसा रहा तो मैं कैसे कोई चीज़ जान सकता हूँ? I understand how you feel.
मैं समझ सकती हूँ तुम क्या महसूस कर रहे हो, सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। हु वॉज ट्रूली सॉरी फॉर हिम, जो कि सच में उसके लिए अफसरदा थी। इफ़ यू विल कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ आओगे, आई विल आस्क ओस टू डू ऑल ही कैन फॉर यू, तो मैं ओस से कहूँगी कि जो कुछ हो सकता है तुम्हारे लिए करे। थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया, ही आंसर्ड ग्रेटफुली, उसने शुक्रगुजारी से जवाब दिया। रोथी, टोटो एंड द स्केयर क्रो वॉक टू द फेंस। रोथी, टोटो और पुतला बाड़ के पास गए। दे क्लाइम्ड ओवर इट एंड स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द येलो ब्रिक रोड टूवर्ड्स द एमर्ल्ड सिटी। वो इस पर चढ़े और चलना शुरू कर दिया पीली ईंटों वाली सड़क पर जो मुड़ के शहर की तरफ। टोटो स्निफ्ड अराउंड द स्ट्रॉ मैन, टोटो ने तिनके वाले आदमी को सूंघा। ही ग्राउल्ड एज इफ ही सस्पेक्टेड देयर माइट बी अ नेस्ट ऑफ रैट्स इन द स्ट्रॉ। वो गुराया जैसे उसे शक था कि इन तिनकों में चूहों का एक घर था। ही वॉज बिहेविंग इन एन अनफ्रेंडली वे, वो एक गैर दोस्ताना अंदाज में बर्ताव कर रहा था। बिकॉज ही डिड नॉट नो द स्केयरक्रो, क्योंकि वो पुतले को नहीं जानता था। डोंट माइंड टोटो, टोटो का बुरा मत मानो, सेड रोथी टू हर न्यू फ्रेंड। रोथी ने अपने नए दोस्त से कहा। ही नेवर बाइट्स, वो कभी नहीं काटता है। ओ आई एम नॉट अफ्रेड, ओ मैं खौफज़दा नहीं हूँ, रिप्लाइड द स्केयरक्रो, पुतले ने जवाब दिया। ही कांट हर्ट द स्ट्रॉ, वो तिनको को कोई तकलीफ नहीं पहुँचा सकता। टोटो बी नाइस, सेड रोथी टू हर डॉग एंड बेंट डाउन टू पैट हिम। टोटो अच्छे से पेश आओ, रोथी ने अपने कुत्ते से कहा और नीचे झुकी थपकी देने के लिए। देन शी पिक्ड अप हर बास्केट एंड बिगेन वॉकिंग अगेन। फिर इसने अपनी टोकरी उठाई और दोबारा चलना शुरू कर दिया। लेट मी कैरी द बास्केट फॉर यू, अपनी ये टोकरी मुझे उठाने दो। आई विल नॉट गेट टायर्ड, मैं नहीं थकूँगा, सेड द स्केयरक्रो, पुतले ने कहा। आई विल टेल यू अ सीक्रेट, ही कंटिन्यूड, मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ, इसने अपनी बात जारी रखी। आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ वन थिंग, मैं सिर्फ एक चीज़ से खौफजदा हूँ। वट इज़ दैट, वो क्या है, आस्क्ड रोथी, रोथी ने पूछा। इज इट द फार्मर हु मेड यू, क्या ये किसान है जिसने तुम्हें बनाया है। नो आंसर द स्केयरक्रो, नहीं, पुतले ने जवाब दिया। इट्स अ लाइटेड मैच, ये एक जलती हुई दिया सलाई है। तो इसी के साथ हमारी बुक रीडिंग फिनिश होती है और अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।